के विधायक और ये सारे लोग विद्रोह करेंगे और ये सरकार का गिरना तय है। ये नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नई सरकार बनी ही है और उसकी एक्सपायरी डेट बताई जाने लगी है। दरअसल नीतीश कुमार के खासम खास और उनके काफी करीब रहने वाले लोगों में से कई लोग अब उनके साथ नहीं है, लेकिन लगातार इस बात की चर्चा चलती है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार लगातार बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, गठबंधन बदलकर शक्ति प्रदर्शन नीतीश कुमार के द्वारा और कभी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा तो कभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अभी सभी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि बिहार में वो चाहेंगे उसी के साथ सरकार बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के साथ लंबे समय तक काम के प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के गठबंधन की एक्सपायरी डेट बताई है और कहा है कि छह महीने से साल भर अगर ये गठबंधन चल जाए तो बड़ी बात है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी टिप्पणी की है और कहा है कि सरकार के अंदर जो मामला चल रहा है और जितने मंत्री हैं उसमें ज्यादातर आपराधिक छवि के हैं, तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को इस पर विचार करना चाहिए। और प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं वो सही है, बिहार में गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। अरविंद सिंह के बयानों को सुनिए। श्री प्रशांत किशोर जी ने ठीक ही कहा है कि ये सरकार समय से पहले गिर जाएगा और ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा। उसका कारण है कि श्री प्रशांत किशोर जी बिहार में जनता के बीच में गए हैं और जनता के द्वारा उनके विचारों को सुने होंगे उसके हिसाब से, और ये लोभी और ठग का जो गठबंधन है ये गठबंधन अवसरवादिता की गठबंधन है। लोभी के राज में ठग भूख नहीं मरता है, तो ये लोभी और ठग आपस में इतने भिड़ेंगे कि ये दोनों सियासी कलाकार दोनों दलों के आपस में भिड़ेंगे और परिणामतः उनके विधायक और ये सारे लोग विद्रोह करेंगे और ये सरकार का गिरना तय है। ये खुद अपने ही मौत मर जाएगी, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे सियासी कलाकार एक साथ जुट गए हैं, सारे अवसरवादी एक साथ जुट गए हैं और सारे रंग बनाने वाले गिरगिट एक साथ जुट गए हैं। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।